तो जब मैंने अपना 35 kg वेट लॉस किया तो सबसे ज्यादा असर मेरे फेस पे दिखा। सबसे पहले मेरा फेस फैट गया और काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप अपने फेस फैट के लिए क्या करते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने फेस फैट के लिए कुछ भी स्पेशल या अलग से नहीं करती हूँ। मैंने कोई स्पेशल एक्सरसाइज या कोई अपने फेस फैट के लिए फैट कटर ड्रिंक नहीं ली है, क्योंकि हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट के फैट को अपनी मर्जी से रिड्यूस नहीं कर सकते। स्पॉट रिडक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये मैंने आपको काफी सारी वीडियोज में डिटेल में समझाया है, आप जाके उन वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं। तो इन चार सिंपल टिप्स से मैंने अपने फेस फैट को रिड्यूस किया। नंबर वन, सबसे पहले मैंने अपने रूटीन में, अपने एक्सरसाइज रूटीन में कार्डियो और योगा के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हमें हेल्प करती है मसल्स बिल्ड करने में एंड हमारे फैट लॉस को एक्सेलरेट करने में। सेकेंड थिंग इज बैलेंस्ड मील। मैंने इस चीज की श्योरिटी रखी कि मेरी जो मील है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो, जिसमें गुड क्वांटिटी में फाइबर हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो एंड फैट्स हो। तो एक वेल बैलेंस्ड मील लेना मैंने शुरू किया। एक वेल बैलेंस्ड मील में मैंने ये भी श्योरिटी की कि जो मेरे कार्ब्स हैं वो ज्यादातर होल ग्रेन से हैं। सिंपल कार्ब्स को मैंने अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंक्लूड करना शुरू किया। नंबर थर्ड, हाइड्रेशन। मैंने अपने वाटर इंटेक को धीरे धीरे करके बढ़ाया। पहले मैं बहुत ही ना के बराबर पानी पीती थी, दिन में मैं 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी पाती थी। इसी चीज को मैंने धीरे धीरे बढ़ाया और अब मैं 3 से 3.5 लीटर पानी पीती हूँ। पानी पीना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो वो हमें हमारी हंगर को कर्व करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है। अनदर थिंग, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में अच्छे से मदद करता है। सो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, आई कीप एन आई ऑन माई सॉल्ट इंटेक। सॉल्ट जो होता है अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी जो है वाटर को रिटेन कर लेती है। हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है जिससे हम लोग थोड़े से स्वॉलो अप लगते हैं, फूला फूला लगता है हमारा फेस। तो हमें कभी भी अपने किसी भी खाने में ऊपर से तो सॉल्ट नहीं डाला है बिल्कुल भी। प्लस जो हम नमक, कुछ लोग होते हैं जिनको नमक ज्यादा खाने की या तेज नमक अपनी सब्जियों में या अपनी डिशेज में खाने की आदत होती है, तो हमें उसको भी बहुत ही वाइजली यूज करना है। आई होप दिस टिप्स हेल्प्स यू आउट। इसी तरह की अमेजिंग हेल्थ टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।